तुम जितना हो सके उतना प्राकृतिक चीज़ों के बीच में रहा करो, तुम आनंद का अनुभव करोगे। मैं तुमसे बार बार कहता हूँ, जितना हो सके प्रकृति के बीच में रहो, प्रकृति तुम्हें बहुत बहुमूल्य चीज़ें देगी। तुम प्रकृति को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। और मैं एक बात तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें प्रकृति ने बहुत कुछ सीखने की नियत भी दी है और तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तुम सीखोगे कि प्रकृति कितना देती है, तुम सीखोगे कि प्रकृति कितना निस्वार्थ देती है और बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगती, कुछ भी नहीं चाहती। वो सिर्फ इतना चाहती है कि हम उनका ध्यान रखें, कि तुम उनका ध्यान रखो। प्रकृति का ऐसा स्वभाव क्या मेरे बच्चों का भी हो सकता है? अगर मेरे बच्चों का भी ऐसा स्वभाव हो जाए और अगर मेरे बच्चे प्रकृति के स्वभाव को अपना लें, तो फिर देखो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी, दुनिया कितनी निस्वार्थी हो जाएगी। और हाँ, अगर मांगना है तो मुझसे मांगो, जितना चाहे उतना मांगो, दिल खोल के मांगो, झोली फैलाकर मांगो, हक से मांगो, विनती करके नहीं, हक से बोलो कि तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें मिलेगा। लेकिन किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ, क्योंकि तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब तुम किसी और के आगे हाथ फैलाते हो तो वो देने में संकोच भी करेगा और देने के बाद तुम पर एहसान भी जताएगा, तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि उसने तुम पर एहसान किया है। और इसलिए कभी भी इंसानों से मत मांगो, जितना हो सके मुझसे आकर कहो, मुझसे आकर मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि जब इंसान देता है, एहसान फरामोश भी हो जाता है, कई बार वो तुम्हें जताता भी है और कई बार वो तुम्हें जलील भी कर देता है। और अगर समय पर तुम उसका दिया हुआ वापस नहीं कर पाए तो उसके बाद वो जिस तरीके की बातें तुम्हें बोलेगा तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि तुम स्वाभिमानी हो। और इसलिए अपने स्वाभिमान को बनाकर रखो और जितना हो सके मांगने से दूर रखो। मेरे पास आओ, मुझसे कहो, मैं सब कुछ दूंगा। थोड़ी सी सबूरी रखो तो मैं वो सब मिलेगा। खुश रहो। और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।